क्या बेटियां परिवार पर बोझ होती हैं? एक पिता ने अपनी बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव बड़ा अच्छा था तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वाले ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना कर सके। लड़के वाले ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की की पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया, लेकिन लड़की के ससुराल में होने की वजह से उन्होंने चुपचाप चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वो सोच में पड़ गए, ये लोग भी हमारे जैसे ही चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए दो तकिए, पतली चादर। उठते ही सौफ का पानी पीने को दिया गया। वहाँ से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता है? तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आया था और उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। ये बातें सुनकर पिता की आंखों में वही पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुँचे तो घर के हॉल में रखी अपनी स्वर्गवासी माँ के फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो लड़की का पिता बोले, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं गई है, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रह रही है। और फिर पिता की आंखों से आंसू छलक गए और वो फफक कर रो पड़े। दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिल में रहती है। बेटियाँ परिवार पर बोझ नहीं होती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।